नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च, तो चलिए बढ़ते हैं अब तक की खबरों की ओर। भारतीय खाद्य निगम FCI ने निकाली रिक्तियां। भारतीय खाद्य निगम FCI ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर मेडिकल ऑफिसर के कुल मिलाकर 89 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB, CA, BE, BTEC, MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट https://fci.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। मक्का किसानों को मुआवजा देगी बिहार सरकार। सूबे की सरकार ने मक्का किसानों को हुए फसल नुकसान को देखते हुए उनके हित में एक अहम फैसला लिया है। इसके अनुसार फसल नुकसान के लिए मुआवजा की राशि किसानों को दी जाएगी। इसके लिए 754 पंचायतों के 2,11,646 किसानों का चयन किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मक्का की फसल कटाई प्रयोग का रिजल्ट सहकारिता विभाग को भेज दिया है। रिपोर्ट के आधार पर जिन पंचायतों में उत्पादन कम हुआ है वहां के किसानों के नुकसान को वेरिफिकेशन करने के बाद भुगतान की राशि दी जाएगी। इसके तहत वैसे किसान जिनके खेतों में 20% तक का फसल नुकसान हुआ है उन्हें 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलेगा, जबकि उससे अधिक नुकसान वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान होगा। जिन जिलों के किसानों को इसके लिए चुना गया है उनमें पटना, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, समस्तीपुर, शेखपुरा, सिवान और पश्चिमी चंपारण शामिल है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्राइवरों को दिखाई जाएंगी शॉर्ट फिल्म। केंद्र के निर्देश पर बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने सभी औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े वाहनों के ड्राइवरों को शॉर्ट मूवी दिखाने की तैयारी कर रही है। इस फिल्म में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने संबंधी कई उपाय बताए गए हैं। साथ ही फिल्म में उन कानूनों की भी चर्चा की गई है जिसे ड्राइवरों के द्वारा तोड़ने पर कार्रवाई की जा सकती है। यह फिल्म हाईवे पर उन्हें दिखाई जा सकती है और यह शॉर्ट फिल्म ट्रक ड्राइवरों को बांटी भी जाएगी। साथ ही कॉमर्शियल और औद्योगिक उत्पाद ढोने वाले वाहनों के ट्रक चालकों के रवैये के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक कॉमन शिकायत नंबर भी जारी किया जाएगा। इस पर कोई भी आदमी जाम और दुर्घटना की शिकायत कर सकता है। सिवान के महेंद्रनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। महेंद्रनाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। नेपाल के राजा महेंद्रवीर विक्रम सहदेव ने महेंदार गांव में खूबसूरत मंदिर को बनवाया और इसका नाम महेंद्रनाथ रखा था। इस मंदिर के अंदर भी कई मंदिर जैसे हनुमान जी के, माता पार्वती के, राम एवं सीता जी के मंदिर हैं। साथ ही काल भैरव, बटुक भैरव और महादेव की मूर्तियां मंदिर परिसर के दक्षिणी क्षेत्र में है। मंदिर परिसर से 300 मीटर की दूरी पर भगवान विश्वकर्मा का एक मंदिर है। मंदिर के उत्तर में एक तालाब है जिसे कमलदास सरोवर के रूप में जाना जाता है, जो 551 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ नवम्बर में साइबेरियाई प्रवासी पक्षी आते हैं जो मार्च तक रहते हैं। JEE मेन्स परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेन 2021 में शामिल होने के लिए छात्रों को एक और मौका देने का ऐलान किया है। इसके तहत अब बचे हुए 3 सत्रों में परीक्षा देने के लिए छात्र आवेदन भर सकते हैं। यह फॉर्म बीते शाम से ही भराया जा रहा है। वहीं पहले से आवेदन कर चुके छात्रों को भी सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। NTA के अनुसार जो छात्र सभी सत्रों के लिए एक साथ आवेदन कर रहे हैं उसके लिए भी आवेदन फॉर्म एक ही भरा जाएगा। इसके साथ ही NTA ने यह भी कहा है कि चारों सत्र के लिए एक बार आवेदन करने के बाद वापस लेने की भी सुविधा दी जाएगी। यही अगर किसी कारणवश अगले सत्र की परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो आप उस सत्र के लिए अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। उसके लिए जमा किया गया शुल्क भी आपको वापस कर दिया जाएगा। बता दें कि दूसरे सत्र की परीक्षा 15 मार्च से 18 मार्च तक चलेंगी। पटना में 8 लग्जरियस AC इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन आज से राजधानी पटना में 8 लग्जरी बस सड़कों पर चलती दिखने वाली है। इन बसों का उद्घाटन आज CM नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाकर कर सकते हैं। इनमें एक बस की कीमत 1.25 करोड़ रुपये बताए जा रहे हैं। ये बसें हर सुविधाओं से लैस हैं और इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली हैं। हालांकि इन बसों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने खरीदा नहीं है बल्कि इसे अशोक लीलैंड कंपनी से प्रति किलोमीटर रेंट के आधार पर किराए पर लिया है। आपको बता दें कि 8 में से 2 बसें पटना शहर से बाहर जाएंगी बल्कि 6 बसें शहर के भीतर ही चलाई जाएंगी। इसके अलावा AC और लग्जरियस होने के कारण इसका किराया भी अधिक होगा। खरबूज की खेती बन गई बिहारी किसानों की पहली पसंद। राज्य में किसानों की अब पहली पसंद तरबूज खरबूज की खेती हो गई है। यहां उपजाए जा रहे अन्य फलों की तुलना में इसका उत्पादन पहले नंबर पर पहुंच गया है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के मुताबिक साल 2017-18 की अपेक्षा 2019-20 में तरबूज में 28%, खरबूजा में 23.4%, पपीता में 5.9%, आंवला में 5.4% और लीची के उत्पादन में 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस संबंध में कृषि विभाग का मानना है कि तरबूज और खरबूज फलों की
अत्यधिक मांग होने के कारण राज्य में इसकी खेती की संभावना बढ़ी है। इसके अलावा लघु और सीमांत जोतों में खेती के लिए इसका उत्पादन करना भी अत्याधुनिक अनुकूल है। आपको बता दें कि पिछले 3 वर्षों के दौरान सभी फलों के कुल उत्पादन में सर्वाधिक आम 35.9%, उसके बाद केला की 33.5% हिस्सेदारी थी, मगर वर्ष 2019-20 में तरबूज की खेती के क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जो कि 31.5% है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए किया यह बदलाव। सीबीएसई बोर्ड ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपनी मार्किंग स्कीम को चेंज किया है। इसके तहत अब बोर्ड परीक्षा में अपनी भाषा में उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक मिलेंगे, वहीं जो छात्र थोड़ी अलग शैली में प्रश्नों का जवाब लिखेंगे उन्हें भी अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, जबकि रटे रटाए उत्तर लिखने वाले छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। आपको बता दें कि इस नए नियम के तहत सीबीएसई अधिकतम 5 नंबर बढ़ाएगा, जो सिर्फ इनोवेटिव उत्तर लिखने वाले छात्रों को ही मिल सकेगा, जबकि जो छात्र गूगल की मदद से अपने तैयार कर उसे रट कर परीक्षा में लिखेंगे उनके अंकों में कटौती भी की जा सकती है। बोर्ड के अनुसार अपनी भाषा में उत्तर लिखने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और जवाब रटने की आदत भी कम हो जाएगी। विभिन्न विषयों की 1.5 करोड़ किताबों की छपाई करवाएगी सरकार। शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा किताबों की प्रिंटिंग करवाने जा रही है। इसके मुताबिक विद्यार्थियों के लिए अलग अलग विषयों में 100 तरह की किताबें छापी जाएंगी। इनमें से ज्यादातर किताबें भाषा विषयों की होंगी। वहीं विभाग इस बात की तैयारी में है कि छात्रों को नए शैक्षणिक सत्र में अप्रैल महीने में ही किताबें मिल जाए। इससे पहले तक ये किताबें अगस्त सितंबर तक बच्चों के लिए बाजार में उपलब्ध हो पाती थी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कक्षा 1 से 8 तक की किताबें प्रिंटर्स बाजार के जरिए बाजार में मुहैया कराए जाते हैं, वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को किताबें शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में पहुंचाई जाती है। IGIMS में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। देश भर में शुरू हुए वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में बीते दिन बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। सीएम ने पटना के IGIMS में वैक्सीन की पहली डोज ली है। इस दौरान खास बात यह रही कि कल नीतीश कुमार अपना 70वां जन्मदिन भी मना रहे थे और इस खास मौके पर टीका लेकर उन्होंने बिहार के लोगों को संदेश दिया कि भारत में निर्मित वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। इसके अलावा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी टीका लगवाया। डोज लेने के ठीक बाद सीएम नीतीश कुमार को 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया था। आपको बता दें कि कल ही सीएम ने यह भी ऐलान किया था कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए किसी भी तरह की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। निजी अस्पतालों को इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार अपने खजाने से ही देगी। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र करने के लिए उठी आवाज। अखिल भारतीय संत समिति की बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राज्य के विभिन्न मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण हटाने की बात कही गई। इस दौरान समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि मंदिरों पर संतों का नियंत्रण होना चाहिए। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि फिलहाल 4.5 लाख मंदिर विभिन्न राज्यों की सरकारों के कब्जे में है। कोई भी ऐसा मंदिर जहां चढ़ावा चढ़ता है वह हमारे पास नहीं है। एक भी ऐसा मंदिर या मठ हमारे पास नहीं है जिसके पास 100-200 एकड़ की जमीन हो। आने वाला समय सनातन धर्म के लिए संकट का समय है। न्यास बोर्ड धर्म की रक्षा के लिए है। समिति ने इस दौरान इस बात को धार्मिक न्यास बोर्ड में रखने और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात कही। हाई स्कूल व प्लस टू के छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में कर सकेंगे प्रैक्टिकल। बिहार के हाई स्कूलों और इंटर में पढ़ने वाले वैसे बच्चे जो स्कूल कॉलेजों में संसाधन नहीं होने के कारण प्रैक्टिकल नहीं कर पाते थे, वैसे बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। जल्द ही अपने पास के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्हें प्रैक्टिकल करने का मौका दिया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने यह ऐलान किया है। इसके अलावा मंत्री ने विज्ञान की पढ़ाई में संसाधनों की पूर्ति करने की बात कही। वहीं यह भी ऐलान किया गया कि नए रिसर्च करने वाले बच्चों को सरकार 3 लाख की आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए पहले छात्रों के प्रोजेक्ट की जांच विशेषज्ञ कमेटी करेगी, उसके बाद ही प्रोजेक्ट के लिए रुपये दिए जाएंगे। एक्साइज विभाग के दारोगा इंस्पेक्टरों की संपत्ति की जांच का मामला उठा सदन में। बिहार में शराबबंदी के दौरान मद्य निषेध विभाग के दारोगा और इंस्पेक्टरों की बड़ी संपत्ति की जांच करने का मामला आरजेडी विधायक ललित यादव ने उठाया, जिसके बाद उसका जवाब देते हुए गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र कुमार ने कहा कि बिना आरोप के किसी भी अधिकारी कर्मी की संपत्ति की जांच का प्रावधान संविधान में नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने ही ये आदेश जारी किया था कि अधिकारियों की संपत्ति की जांच की जाएगी, मगर अब प्रभारी मंत्री खुद कह रहे हैं कि इस संबंध में आदेश जारी हुआ था लेकिन एहसास होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया। विभाग के प्रभारी मंत्री ने इस संबंध में यह भी कहा कि आरजेडी विधायक अगर किसी खास अधिकारी की बढ़ी संपत्ति के बारे में जानकारी देंगे तो उसकी जांच कराई जाएगी।
बिहार क्रिकेट लीग पर लग सकता है ग्रहण। बिहार में आयोजित होने वाले क्रिकेट लीग T20 टूर्नामेंट के आयोजन पर रोक भी लग सकती है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और BCCI के बीच 21 मार्च से होने वाले इस आयोजन को लेकर मतभेद है। आपको बता दें कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 3 दिन पहले ही खिलाड़ियों की नीलामी की थी, मगर BCCI का कहना है कि प्रतियोगिता को लेकर अभी तक उनसे अनुमति नहीं ली गई है। मामले में BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक पैनल पहले ही सिफारिश कर चुकी है कि किसी राज्य T20 लीग को हरी झंडी देने से पहले BCCI को कड़े दिशा निर्देश देने चाहिए और BCA ने किसी भी तरह की मंजूरी लिए बिना ही शनिवार को खिलाड़ियों की नीलामी आयोजित कर दी, जिसके बाद अब खेल के आयोजन की राह साफ होती नहीं दिख रही। बिहार बीजेपी के नेता करेंगे बंगाल में चुनाव प्रचार। बंगाल फतह करने के बीजेपी की तैयारी में बिहार के पार्टी नेता भी जी जान से जुट गए हैं। इसके तहत अब बिहार में भी बीजेपी कार्यकर्ता और नेता को चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। इस क्रम में बिहार से सटे हुए 8 जिलों को पार्टी ने चिन्हित किया है, जहां इन नेताओं को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान 200 कार्यकर्ता बंगाल में बीजेपी का प्रचार करने वाले हैं। इसके तहत वहां 54 विधानसभा के लिए प्रभारियों की नियुक्ति भी की जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में बिहार सरकार के कई मंत्री चुनावी प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में कैंप करेंगे। बिहार में IAS के 40% रिक्त पदों पर विपक्ष ने उठाया सवाल। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में प्रदेश में IAS अधिकारियों की कमी का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा कि बिहार में IAS अफसरों के 40% पद खाली हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में 349 IAS अफसर के पद है, जिनमें से सिर्फ 202 पदों पर ही नियुक्ति की गई है, जिस वजह से हर सचिव पर 10 से 12 विभागों की जिम्मेदारी है, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण काम समय पर नहीं हो पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सामान्य प्रशासन के मंत्री ने बताया कि इस संबंध में केंद्र को पत्र लिखा जा चुका है। इस दौरान सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हो रही है। जल्द ही 54 IAS अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर युवाओं ने मनाया बेरोजगार दिवस। बिहार में कल जदयू ने नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मना रही थी। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों युवाओं के साथ मिलकर सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरते हुए आयशा और इंकलाबी नौजवान सभा ने इस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान संगठन के हजारों युवा कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान से रैली निकालकर विधानसभा को घेराव करने की भी कोशिश की, मगर इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे, जिसके कारण युवा विधानसभा का घेराव नहीं कर सके। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का भी प्रयोग करना पड़ा। बिहार सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन को किया फ्री। बीते दिन 1 मार्च से बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई। इस फेज में 60 साल से अधिक उम्र के आम लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। आपको बता दें कि अच्छी खबर ये है कि इस बार सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और राज्य सरकार ने दोनों ही अस्पतालों में वैक्सीनेशन को फ्री कर दिया है, यानी कि प्राइवेट में टीका के लिए लोगों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इससे लोगों को अपनी बारी आने का ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा। आपको बता दें कि इस फेज में सीनियर सिटीजन के साथ ही 45 से 60 साल तक के वैसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें भी टीका लगाया जाएगा। बिहार में इसके लिए फिलहाल 1600 केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस मुख्यालय में हुआ 5 दिवसीय महिला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। बीते दिन बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं के प्रति सुरक्षा और उनके विकास सहित कई मुद्दों पर कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान मुख्यालय के ADG जितेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस मुख्यालय हमेशा से महिला के प्रति संवेदनशील रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस थानों में या फिर कार्यालयों में जो अन्य पुलिसकर्मी हैं, उनके थानों में अगर महिला अपनी शिकायत लेकर पहुंचती है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। बिहार की राजधानी पटना में 1982 में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन आज ही के दिन हुआ था। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2006 में ऐतिहासिक परमाणु समझौता आज ही के दिन संपन्न हुआ था। भारत ने 2006 में परमाणु शक्ति के संबंध में अमेरिका के साथ राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के दिल्ली आगमन पर समझौता आज ही के दिन किया था। भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी जयंत तालुकदार का 1986 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम का 1700 में सिंहगढ़ में आज ही के दिन निधन हुआ था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू ने 1949 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी।
अगले कुछ दिनों तक दिखेगी तापमान में गिरावट। इन दिनों धूप में तपिश होने के कारण बसंत में ही गर्मी का एहसास हो रहा है। इस दौरान पश्चिम और दक्षिण बिहार में सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री तक पारा बढ़ा रहा है। वहीं उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में रात के तापमान में भी सामान्य से 6 डिग्री बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज से तापमान में कुछ दिनों के लिए गिरावट आने का अनुमान है। मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ बांग्लादेश में चक्रवात के कारण बिहार में तापमान में कमी हो सकती है। ऐसे आने वाले दिनों में बिहार वासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। घर में शौचालय नहीं रहने पर नहीं लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अगर उम्मीदवार के घर में शौचालय नहीं है तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके तहत नामांकन पर्चा भरते वक्त उम्मीदवारों को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि उनके घर में शौचालय है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की है, लेकिन मतदान केंद्र सहित अन्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्देश जारी किया गया है। एक परिवार के सभी सदस्य एक ही मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, इस बात का पूरा ख्याल रखने को भी कहा गया है। साथ ही साथ किसी भी मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचने में 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करना पड़े, इसका भी पालन करने को कहा गया है। बता दें कि आगामी अप्रैल मई महीने में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने चेन्नई और अहमदाबाद टेस्ट को बताया करियर का सबसे मुश्किल मैच। दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम से मिली करारी हार के बाद इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फोक्स ने इसे अपने करियर का सबसे कठिन मैच बताया है। आपको बता दें कि रोटेशन पॉलिसी के कारण जोस बटलर की जगह टीम में बेन फोक्स को शामिल किया गया था, मगर बेन ने कहा कि चेपोक और पिंक बॉल मोटेरा की पिच पर खेले गए पिछले 2 टेस्ट इंटरनेशनल करियर के सबसे मुश्किल मैच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पिच पर कीपिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण था। इससे पहले क्रिकेट गेंद को इतना टर्न मिलते हुए पहले कभी नहीं देखा था। साथ ही ये भी कहा कि भारत ने हमें हर डिपार्टमेंट में पछाड़ दिया है और अगर हम सीरीज को 2-2 की बराबरी पर ला सकते हैं तो यह शानदार नतीजा होगा। सैफ करीना अपने छोटे बेटे को रखेंगे पब्लिक से दूर। कुछ दिनों से मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि करीना कपूर और सैफ अली खान अपने दूसरे बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने फैंस से रूबरू करवाएंगे। वहीं अब इन बातों का खंडन उनके दोस्त ने अपने बयान में किया है। सैफ के करीबी दोस्त ने कहा है कि यह महज एक अफवाह है, वास्तव में सैफ और करीना अपने दूसरे बेटे को मीडिया की नजरों से बिल्कुल दूर रखने वाले हैं। वो अपने बच्चे को बड़े होने तक भी लाइमलाइट से दूर रखना चाहेंगे। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि आप जितना मीडिया में अपने बच्चे को सामने लेकर आते हैं मीडिया उतना आपको परेशान करता है। वहीं इस पर अभी तक सैफ और करीना का कोई भी बयान नहीं मिला है। प्रशांत किशोर अब करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए काम। चुनावी रणनीतिकार के नाम से मशहूर पंजाब किशोर अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी काम करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। आपको बता दें कि फिलहाल वे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बंगाल चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। वहीं अब पंजाब की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। इस बात की जानकारी खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी है और इसे लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि उनके प्रथम सलाहकार के रूप में प्रशांत पंजाब के लोगों की भलाई की दिशा में काम करने तत्पर है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मयंक प्रसून, सोराब अली, सुबोध कुमार, गौतम रावत, राजीव कुमार, महेश उस्ताद, अतीक खान, पुरुषोत्तम हीरो, रामपुकार ठाकुर, भोजपुरी वन पॉइंट, शिवानी कुमार, राम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब यूं ही देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण बस और दूसरे सवारी गाड़ी के किराए में भी बढ़ोतरी करना कितना उचित है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।